कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत मोहतरम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर अंदाज में शॉर्ट शॉर्ट में अपने गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। चुनांचे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, बज्म सजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सुनो सुनो, जब इंसान एक मर्तबा गुनाह करता है ना, उसके दिल में काला सा एक धब्बा पड़ जाता है। जब एक मर्तबा गुनाह करता है उसके दिल में काला सा एक धब्बा पड़ जाता है, फिर गुनाह करता है फिर काला सा धब्बा पड़ जाता है, फिर गुनाह करता है फिर एक काला सा धब्बा पड़ जाता है। गोया के गुनाह करता जा रहा है, धब्बा पड़ता जा रहा है, गुनाह करता जा रहा है, धब्बा पड़ता जा रहा है, गोया के पूरा दिल काला हो गया है। अब जब इंसान का दिल काला हो जाता है ना, तो उसको अच्छा काम करने में अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि नमाज पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, कुरान की तिलावत करने में अच्छा नहीं लगता है, इबादत और रियाजत अता तो फरमा बरदारी करने में अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप का अदब एहतराम करने में अच्छा नहीं लगता है। जब दिल काला होता है ना, तो उलमा से मोहब्बत करने में अच्छा नहीं लगता है, दिल काला होता है ना, तो उलमा इकराम की कुर्बत हासिल करने में अच्छा नहीं लगता है, जब यही दिल काला होता है ना, तो और दीगर नेक अमाल करने में अच्छा नहीं लगता है। तो क्या मतलब, तो नबी करीम ने फरमाया है कि जब दिल काला होता है तो कोई नेक अमल करने में अच्छा नहीं लगता है, तो पता क्या चला, जब दिल बिगड़ता है तो आंखें बिगड़ जाती है, जब दिल बिगड़ता है तो उसकी जबान बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ता है ना तो उसका जिस्म बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो उसका हाथ बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो पाँव बिगड़ जाता है, और जब दिल बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और जब यही दिल बिगड़ा है तो कोई अबू जहल बन गया है, कोई नमरूद बन गया है, कोई शरसाद बन गया है, कोई फिरौन बन गया है, और जब यही दिल बिगड़ता है तो एक से एक खबीस पैदा होता है, जब यही दिल संवरता है, जब यही दिल संवरता है तो कोई अबू बकर सिद्दीक बनते हैं, कोई उमर फारूक बनते हैं, कोई उस्मान अली बनते हैं, कोई मौला अली बनते हैं, तो कोई गौसे आजम बनते हैं, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनते हैं। अरे जब यही दिल सुधरता है तो नेपाल की सरजमीन पर हुजूर शेरे नेपाल बनते हैं, जब यही दिल सुधरता है तो हुजूर अशरफुल कादरी बनते हैं, जब यही दिल सुधरता है तो हुजूर फखरे अमजदी अल्लामा अशरफुल्लाह पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, राकिबे दोसे पैगंबर कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, संवरता है तो अशरफ रजा बरकाती की शक्ल में हम लोगों को एक तोहफा मिलता है। हजरत झंडे करबला, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हजरत करबला के ऊपर आप लोगों को सुनना अभी मान बाकी है, हाँ अच्छे चोलमाए ग्राम तशरीफ रखते हैं और बहुत ही उम्दा गोया के इंटरनेशनल मकरी तशरीफ लाए हैं, इसलिए उससे पहले एक और वाक्य मैं पेश कर दूं, मैं अपने गुफ्तगु को समेट कर मैं बैठ जाऊंगा। सभी लोग एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग खामोश है, सभी लोग सुभान अल्लाह। हजरत हजरत करबला का वाक्य अभी बाकी है, उसको रहने दिया जाए। उससे पहले एक और जंग हुई जिसको जंगे ओहद कहते हैं, जंगे ओहद है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहस और हजरत साद इब्न अबी वक्कास, और हजरत साद इब्न अबी वक्कास कौन है, जिनके बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे मौला हजरत साद इब्न अबी वक्कास को मुस्तजाबुद दावत दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत का मतलब है कि जिसकी दुआ बार गए खुदा बंदी में कभी रद्द नहीं जाती, बल्कि फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर लेता है। जंग उहुद का मामला है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास है, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास उठा रहे हैं, परवरदिगारे
आलम की बारगाह में जंग शुरू होने वाली है, लड़ाई शुरू होने वाली है, गर्दन कटने वाली है, जाने जाने वाली है। उससे पहले दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम जंग शुरू होने वाली है, जहां हावी का माहौल है। हजरत साद इब्न वक्कास कह रहे हैं, मौला जंग शुरू होने वाली है, कत्ल होने वाली है। ऐ मेरे मौला, मैं दुश्मन के सामने जाऊं, दुश्मन मेरे सामने आए, मैं दुश्मन पर वार करूं, मैं दुश्मन पर हमला करूं, मैं दुश्मन को जहन्नम रसीद कर दूं, मैं दुश्मन को हराऊं, मैं दुश्मन को शिकस्त कर दूं, मैं दुश्मन को फिर नार व सकर कर दूं। हजरत साद इब्न वक्कास है, दुआ कर रहे हैं। हजरत साद इब्न वक्कास के दुआ पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश ने वादे के मुताबिक आमीन कह दिया है। मुसलमानों पता क्या चला, कि ये दुआ के ऊपर आमीन कहना कोई आज का नया तरीका नहीं है, बल्कि आज से 1450 वर्ष पहले सहाबे किराम ने भी इस तरीके को अपनाया है। हम उसी के तरीके पर भी कर रहे हैं, उसी के तरीके को अपना रहे हैं। हजरत साद इब्न वक्कास की दुआ खत्म हो गई है, अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश की दुआ सुनो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश है, दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जंग शुरू होने वाली है, लड़ाई शुरू होने वाली है, जंग होने वाली है। उससे पहले हजरत हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश कह रहे हैं, मेरे मौला, मैं दुश्मन के सामने जाऊं, दुश्मन मेरे सामने आए, मैं दुश्मन पर वार करूं, दुश्मन मुझ पर वार करे, मैं दुश्मन पर हमला करूं, दुश्मन मुझ पर हमला करे, मैं दुश्मन पर वार करूं, दुश्मन मुझ पर हमला करे, दुश्मन मेरे सर को काट दे, दुश्मन मेरे बाजू को छुपा कर दे, दुश्मन मेरे सीने को चाक कर दे, दुश्मन मेरी आंखें निकाल दे, दुश्मन मेरे पांव को काट दे, दुश्मन मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा अलग अलग कर दे। हजरत अब्दुल्लाह हजरत साद इब्न वक्कास कर रहे हैं, भाई अब्दुल्लाह इब्न जहश के तरीके से दुआ है। सब लोग तो कामयाबी की दुआ करते हैं, सब कामरानी की दुआ करते हैं, सब फतह नुसरत की दुआ करते हैं, दुश्मन को हराने की दुआ करते हैं, दुश्मन को शिकस्त करने की दुआ करते हैं। लेकिन आज तुम यंग ऐसी दुआ कर रहे हो तो दुश्मन तुझ पर वार करे, दुश्मन तेरे बाजू को जुदा कर दे, दुश्मन तेरे सीने को चाक कर दे, दुश्मन तेरे आंखें निकाल ले, दुश्मन तेरे सर को हर से अलग कर दे। आखिर क्या मामला है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश का जवाब सुनो, इश्क देखो, मोहब्बत देखो, चाहत देखो, प्यार देखो, कुर्बानी का जज्बा देखो। अरे यही कुर्बानी की बात आ गई है, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन है। कुर्बानी की बात आ गई है ना, तो हजरत इमाम हुसैन है करबला के मैदान में मजहब इस्लाम के खातिर दीन-ए- मुस्तफा को बचाने के लिए अपने भतीजे को कुर्बान कर रहे हैं, अपने भांजे को कुर्बान कर रहे हैं, औलो मोहम्मद को कुर्बान कर रहे हैं, अली अकबर को कुर्बान कर रहे हैं, अली असगर की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं। बोला कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने खानदान को कुर्बान करके खुद कुर्बान हो गए, और तुमने मुस्लिम को यह पैगाम दे दिया। मेरे नाना जान को मत ये सुनो, सुनो मेरे नाना जान के नाम पर धन की बारी आ जाए तो दे देना, धन की बारी आ जाए तो दे देना, शानो शौकत की बारी आ जाए तो दे देना, इज्जत व आबरू की बारी आ जाए तो दे देना, बेटे की कुर्बानी की बात आ जाए तो दे देना, हर चीज को तुम कुर्बान कर देना, लेकिन मेरे नाना जान का दिया हुआ ईमान न जाने देना, उनके मोहब्बत न जाने देना, उसका प्यार न जाने देना, उसका इश्क न जाने देना, बल्कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाना देंगे। ये है हजरत, गुफ्तगु खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत साद इब्न वक्कास कह रहे हैं, ये तेरी कैसी दुआ है? सब लोग तो कामयाबी की दुआ करते हैं, लेकिन ये कैसी दुआ कर रहे हो? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश कह रहे हैं, ऐ साद इब्न वक्कास, मैंने इसलिए ऐसी दुआ की है ताकि कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं फख्र से कह सकूं, ए मेरे मौला, मैंने आपके नाम पर अपने तन मन धन को कुर्बान कर दिया है। मुख्तसर तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में जो भी लफ्ज़ या सवर गलती हो गए हो, सिर्फ दिल से तायब होकर इस्तिग़फ़ार करता हूँ और कलमा तैयब मचल के पढ़ ले जैसे भी लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तौब।